था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहां से कहां बनाया, छोड़िए ना, और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दी, बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया, पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है। सीपीआई के साथ बहुत पुराना, आज का नहीं, हमारा समझिए यंग टाइम से है, समझ गए ना क्या बात करते हैं। आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताए कौन राजनीति, लैक और राजनीति, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहां से कहां बनाया, छोड़िए ना, और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया, पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हम लोगों ने कहा क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है, आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि कहां से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। ये ना इसलिए तो हम बता रहे हैं, आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन गलत बात कर रहा है, कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको। अरे उनको आप भूल लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था, अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसे क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए, अभी सब बात जानिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए, बारे में कोई भी चीज उसको बोलना, ये सब को मालूम है ना, मालूम है राजनीति में लाया कौन सरकार से। हम लोगों का देखिए सीपीआई के साथ बहुत पुराना, आज का नहीं, हमारा समझिए यंग टाइम से है, समझ गए ना, जब से हम एमपी बने हैं एकदम हमको सीपीआई के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है, बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए है ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग विपक्ष लेफ्ट कांग्रेस सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सर मंडल कमंडल दोनों साथ है, साथ मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ है, इसीलिए हम लोग इसीलिए तो आपके साथ भी वही, अब यू हैव टॉक टू हिम वेरी गुड, ही विल ही विल वन सेकंड लिसन टू हिम, नीतीश जी हैज कम टू आवर पार्टी हेडक्वार्टर्स एंड वी वेलकम्ड द वे ही ब्रोक विद बीजेपी एंड जॉइंड द सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस मगा गठबंधन इन बिहार। The development in Bihar does not confine to Bihar only. It has a huge impact on the political course of the country. We are of the view the time has come all secular democratic parties, left parties, regional parties all must come together and fight unitedly in order to defeat BJP in the interests of country and its future, in defense of constitution, in defense of democracy. That's what Nitish ji has been trying, and he is meeting political leaders and discussing with them, sharing his views also. So we are of his own understanding and we are with him and he is with us. आप उन्हें तारीफ की तारीफ कर रहे हैं, तो बिहार मॉडल को, बिहार मॉडल को आप पूरे देश में लागू करना चाहेंगे, बिहार मॉडल को पूरे देश भर में लागू करना चाहेंगे। बिहार मॉडल क्या चीज है, हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं, बिहार कौन चीज है, अरे अकेले बिहार का क्या बोल, इट इज नॉट बिहार मॉडल ओनली, इट इज देयर इज तमिलनाडु मॉडल आल्सो, देयर इज तमिलनाडु मॉडल आल्सो, bigger model also, what we are saying, how to build a coalition of secular democratic parties, left parties, regional parties at national level and make an all India model in order to defeat communal fascist forces, the BJP RSS combined. That is our Sushil Modi ko jarur bolna chahiye, जरूर बोलना चाहिए सुशील मोदी को, अगर इसके चलते उसको पार्टी जगह दे दे अच्छी बात है ना, हमारा तो पुराना अच्छा देख लीजिए। सुशील मोदी जी को देखिए, इस बार फिर चुनाव बनाया डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, यही ले आया, यहाँ भी मंत्री ही बनाया,
अब बेचारे आजकल बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं नहीं, इतना बोले, इतना डेली, नहीं नहीं अच्छा है, हम तो उनका स्वागत करते हैं कि खूब मेरे खिलाफ बोले रोज रोज। जितना बोलेंगे मेरे खिलाफ, अगर दिल्ली वाले लोग उनको, पार्टी के लोग फिर उनको कोई जगह दे देंगे, अच्छी बात है। मंडल और कमंडल दोनों हमारे साथ है, बीजेपी के साथ। भाई जो भी बोले और इससे उनको बेचारे को फायदा मिल जाए, अच्छी बात है ना।